हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा, वेलकम टू studykhazana.com। बच्चे, आज मैं आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। और ये जो ग्राफ है, ये मैं 11th और 12th दोनों के लिए, ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 11th में जो ग्राफ करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, मतलब पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आया तो ट्रू, स्मॉलर आया तो फॉल्स, या मतलब छोटा आया तो हम फॉल्स ले लेंगे, या जो भी है। मैंने आज तक उसे ना तो इस तरीके से ट्रू से पढ़ा है, ना ही पढ़ाया है। सीधी सी बात, वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, कई बार क्या होता है, जब हम ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन वाले करने क्वेश्चन बैठते हैं तो होता क्या है हमारे साथ कि ट्रू हो रहा होता है लेकिन शेड कहीं और होना होता है। ऐसा कई क्वेश्चन में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, किन क्वेश्चन में हो जाता है। और हम जज नहीं कर पाते कि हम उसे कहां पर शेड करें। जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज 11th क्लास का जो चैप्टर है, और 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 है, तो इन दोनों चैप्टर के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ट्रू फॉल्स का रट्टा मार के आते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसे शेड कर देते हैं, फिर कहते हैं अवे फ्रॉम ओरिजन, क्या कहते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजन। आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट, आप कहोगे हाँ यार इसमें तो कॉन्सेप्ट लगता है तो बड़ा सिंपल है, तो मैं आपके मुश्किल से 15 मिनट लूंगा, और 15 मिनट में मैं आपको बेसिक्स एंड क्वेश्चन सब समझा दूंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा टोटल एंड बेसिक्स, और उस 15 मिनट में आप लोग देख पाएंगे कि एक्चुअली हमें उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और आप किस गलत तरीके से पढ़ते हो ट्रू और फॉल्स को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज लेस देन इक्वल टू वन, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि x और y के पॉइंट्स, मतलब एक्सिस पर जो पॉइंट काटते हैं दे आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स, ठीक है। जो x एक्सिस और y एक्सिस पर कटते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। देखिए, जैसे x के नीचे a है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा जीरो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा b, ऐसे पढ़ा था हमने, ठीक है। ये पॉइंट a कॉमा जीरो, ये पॉइंट 0 कॉमा b, क्योंकि y के नीचे b है, इसलिए इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये हमारी एक लाइन बन गई, इस लाइन का रियल नेम जो होगा वो होगा x by a plus y by b equals to 1, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा कि इसको इक्वल टू 1 ही क्यों लेते हैं हम, जबकि लगा तो लेस देन 1 है, या लेस देन और इक्वल टू 1 है। एक्चुअली अगर ये लाइन बनेगी तो वो इक्वल टू 1 की बनेगी, तो जो शेड होता है क्वेश्चन वो डिसाइड करता है ये वाला पार्ट। ये जो लेस देन का साइन है ना, या ग्रेटर देन का साइन है, ये शेड जो हमारा पोर्शन होता है वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो लाइन तो ये इक्वल्स टू की है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों कम होने चाहिए। ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है या नीचे शेड हो सकती है, ठीक है, ऊपर शेड या नीचे शेड। एक्स और वाई दोनों लेस है, लेस मतलब छोटे हैं, ठीक है, छोटे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे शेड करूंगा तब x और y कम होंगे, या फिर अगर मैं इस ग्राफ को बाहर शेड करता तो x और y की वैल्यू कम होती। भाई अंदर शेड करूंगा तभी कम होंगे ना, मतलब अगर यहां पर 5 है तो यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2 कम हो गया, यहां पर अगर 7 है तो क्या होगा, 6 5 4, तो लेस लिखा हुआ, तो इसलिए यहां पे शेड होगा। कोई ट्रू नहीं, कोई फॉल्स नहीं, कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और देखिए, जैसे मैंने बोला x by a plus y by b is greater than equal to 1, अब अगला वाला आप अपने आप बता सकते हैं। ड्रॉ किया, लाइन बनाई, a 0, 0 b, x by a plus y by b equals to 1, ठीक है। क्या करेंगे, x और y की वैल्यू, देखिए बच्चे x और y की वैल्यू दोनों ग्रेटर है, मतलब बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो शेड कहां पर होगा, ऊपर, कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। अब अगर यहां पर, क्योंकि ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है नीचे, एक लाइन हमेशा दो जगह शेड हो सकती है, या तो ऊपर को या नीचे को, आपको उसे देखना है बस। x और y दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए हम कहां शेड करेंगे, ऊपर शेड करेंगे, सिंपल है। अगर ये 5 है तो यहां पे 6, देन 7, देन 8 एंड वगैरह वगैरह सो ऑन, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव वाले केसेस। अगर हम नेगेटिव वाले केसेस की बात करें तो क्या करेंगे, जैसे x by a plus y by b, माइनस b कर दिया मैंने इसे, लेस देन इक्वल टू 1। देखिए x a है, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस बी है, 0 कॉमा माइनस बी, इसे ऐसे बना देंगे,
इस लाइन का रियल नेम होगा x by a plus y upon minus b equal to 1. अब ये लाइन या तो इधर को शेड हो सकती है या ऊपर को. आप क्या करें, x के नीचे पॉजिटिव वाले को पकड़े, ठीक है. पॉजिटिव वाला क्या है, a है. पॉजिटिव वाला क्या है, a है. और किसका पार्ट है, x का. भाई x का पॉजिटिव कम होना चाहिए, x का पार्ट कम होना चाहिए. x एक्सिस यानी ये लाइन या तो यहां शेड हो सकती है यहां पे, मतलब x एक्सिस आपको क्या करनी है, कम करनी है. तो कहां शेड होगा, ऊपर को. क्यों भाई, x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना. अगर ये 5 है तो यहां पे 4 3 2 एंड सो ऑन, ठीक है. तो अगर आप इधर शेड करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा. और x उसने बोला लेस देन होना चाहिए बच्चे. लेकिन फिर इसमें रट्टा मारने वाली बात हो गई कि पॉजिटिव को ही ले, गलत. अगर आप नेगेटिव को लेते, मैंने पहले आसान तरीके से बता दिया, अब आप अगर नेगेटिव को लेते तो क्या होता, y का नेगेटिव पार्ट कम होना चाहिए. अगर y का नेगेटिव कम हो रहा है, इसका मतलब y का पॉजिटिव बढ़ना चाहिए. अब ऑब्वियस है ना, अगर आप ऊपर शेड कर रहे हो तो y का पॉजिटिव बढ़ रहा है. y का अगर यहां पे 1 था तो यहां पे क्या होगा, 2, यहां पे क्या होगा, 3, यानी ये शेड ऊपर हो रहा है. अगर ये नीचे शेड हो जाता तो y का नेगेटिव और भी ज्यादा कम हो जाता. समझ आ रही, नेगेटिव होता ना नंबर, मतलब पॉजिटिव कम हो जाता. तो नेगेटिव वाले में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव से आसान हो जाता है. लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों से मिलता है, ठीक है. बहुत सिंपल है, ठीक है. कोई ट्रू नहीं, कोई फॉल्स नहीं, देखकर जज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखकर, ठीक है. अभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि इसकी लिमिटेशन होगी, जिस केस में इक्वल टू जीरो हो तब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. अभी देखते रहिए, मैंने आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है. 15 मिनट मांगे हो, 15 मिनट दे दीजिए. देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं दोनों नेगेटिव है, यही क्वेश्चन था ना भाई, दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, x y by minus b less than equal to 1. चलो पिछले में लेस लिया था, इस बार ग्रेटर ले लेता हूं. x के नीचे माइनस है यानी यहां पर ड्रॉ होगा, यहां पर y के नीचे माइनस b यानी यहां पर ड्रॉ होगा. इसे ज्वाइन कर देंगे. ये लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है, नीचे शेड, सिंपल लाइन, दो जगह शेड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब x का नेगेटिव और y का नेगेटिव दोनों बढ़ने चाहिए, यानी दोनों नेगेटिव बढ़ाने हैं. अगर यहां पर माइनस 5 है तो ऑब्वियस है ना, यहां पे माइनस 6 होगा, नेगेटिव नंबर बढ़ गया. हालांकि माइनस 6 इज लेस देन माइनस 5, लेकिन नेगेटिव नंबर बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है. तो ये कहां शेड होगा, यहां पे शेड होगा. हैव यू गॉट इट, सिंपल है कि ये कहां शेड होगा, यहां पे. नेगेटिव कंटिन्यूअसली दोनों का बढ़ता जाएगा, कोई भी एक देखकर भी जज कर सकते थे और दोनों देखकर भी, तो ये भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब आते हैं सर दूसरी बात पे. अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है. अब सबसे पहले इसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट जो है वो जीरो है. अगर इक्वल टू में कभी भी कांस्टेंट जीरो हो तो कभी भी आप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बना सकते. समझ में आ गई चीज, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म तब बनती है जब x by a plus y by b is less than या greater than equal to 1, यानी यहां पर जो नंबर हो वो डिविजिबल हो. मतलब अगर मैं क्या है, मान लो 15 है तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देते तो ये बन जाता 1. यहां पर हमेशा 1 लाना होता है, तो ये 1 कभी नहीं ला पाएंगे हम. एडिंग बोथ साइड करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है. इंटरसेप्ट नहीं बना पाएंगे उसमें. अब इसे क्या करेंगे, इसे आप बनाएंगे बॉक्स, 10th क्लास का मेथड. और ये मान लेंगे ये जो ग्राफ है ना वो x is equal to y 2x, सॉरी y is equal to 2x का ग्राफ है. आप ये मान के चलेंगे कि आप y is equal to 2x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. तो आपने पुट किया x को 0, देन यू गेट y is equal to 0. यू कैन पुट x is equal to 1, यू गेट y is equal to 2. You can put x is equal to 2, you get y is equal to 4. Simple. अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले अब बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट बनाने लग जाते हैं स्केल से, 1, 2, 3, 4. अरे कुछ नहीं बनाना यार, अब पॉइंट बनाते हुए 10 तक आ चुके हो आप लोग, ठीक है. तो हर एक बंदे को पता है, हर एक टीचर को पता है कि बच्चा अपने आप जज करके इसे कर सकता है, तो पॉइंट बनाना जरूरी नहीं होता, ये ध्यान रखना. x0 y0 यहां पे बनेगा, x1 y2 अंदाजे से, x2 y4 ये लाइन बन गई. बच्चों को ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे बना दिया हमने लाइन. इस लाइन का नाम होगा y is equal to 2x. मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो सीधी बनती है, तो सबको पता ही है, ठीक है. अब ये लाइन या तो यहाँ शेड हो सकते हैं, यहाँ पर सिंपल आप ये देखिए कि बड़ा या छोटा कौन है. y is greater than 2x, y x से बड़ा है, यानी x y से छोटा है.
y x से बड़ा है, कहां शिफ्ट होगा, y कहां बढ़ेगा, यहीं पे बढ़ेगा ना y, देख लो आप y यहां पे बढ़ रहा है आपका, कैसे बढ़ रहा है भाई, ये लाइन और ऊपर जाती रहेगी, ये वो शिफ्ट होता जाएगा, तो y कंटीन्यूअसली बढ़ता जाएगा और x कंटीन्यूअसली, देखो x यहां पे शिफ्ट हो रहा है, x कंटीन्यूअसली क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, अगर यहां पे माइनस वन था तो यहां पे माइनस टू और कम हो गया, माइनस थ्री और कम हो गया, तो एक्स तो कम ही करना था, तो अगर ग्रेटर देन और लेस देन का केस आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं ट्रू फॉल्स वाले, कि ट्रू फॉल्स का तरीके से हम लोग करते हैं और कैलकुलेट हो जाता है, वो तरीका ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं ट्रू फॉल्स वाला, उसमें आप इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर जाते हो, वाई इज इक्वल टू टू एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एक छोटी सी बात और, 11th क्लास में अगर आप लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ ली है, मतलब 12th के बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, 11th के भी देख रहे हैं, तो उन्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हमेशा टीचर्स ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा, रीजन क्या है, क्यों होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड, ये नहीं पता होता, जो शेड हमें क्वेश्चन करना है, कॉमन जो हमारा रीजन होगा, शेडेड कॉमन रीजन अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो हमेशा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना होता है, यही बोलते हैं, क्यों करना होता है ये नहीं पता, वो देखिए क्यों करना होता है बेटा। 11th 12th की मैथ्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको क्यों का आंसर चाहिए, कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप वो चीज समझ जाओगे, ठीक है, मतलब रट्टा नहीं मारोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बच्चा क्या करता है, 9th 10th लेवल की मैथ्स पढ़ के आता है, 10th में अच्छा CGPA मारता है, अच्छा खासा 9.2 9.4 9.6 CGPA लेकर आता है, लेकिन होता क्या है, 12th में आके उसके मार्क्स गिर जाते हैं, उसे 12th मैथ्स में आके डर सा लगने लग जाता है, वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि 10th तक की जो मैथ्स है वो फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स है, मतलब आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा, क्वेश्चन करा, हो गया। लेकिन अगर आप 11th की मैथ्स पर आओ तो फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझना जरूरी है कि यही वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, मतलब इस क्यों की, इस वाई की बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तभी आपके क्वेश्चंस होंगे अच्छे से। अब देखिए जरा मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, आपको बोला मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा लेते हैं, है ना, जनरली हम उन क्वेश्चन से डील करते हैं यहां पे 11th और 12th में जो आपको बता रहा हूं मैं, जिनके अंदर प्रोडक्ट सप्लाई डिमांड इन सब की बात होती है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली बात तो ये, इसीलिए हम लोग हमेशा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते थे। ये डाउट क्लियर हो गया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया तो क्यों हमें उसे 0 लेना है, ठीक है। एक्चुअली वो लेना जो है वो सही नहीं है, मतलब लेकिन हम 11th और 12th में उन क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जो x और y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी x हमेशा 0 से बड़ा, यानी आप यहां पे शेड करेंगे या फिर यहां पे शेड करेंगे, मतलब करना है आपको ऐसे शेड है, सॉरी x बढ़ना चाहिए ना, x इज ग्रेटर, x हर बार बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है यानी लाइन इधर को जाएगी, ठीक है। y इज ग्रेटर देन 0 यानी y की लाइन इधर को जाएगी, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, दोनों में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप ये भी कह सकते हो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों एक ही जगह पे पॉजिटिव होते हैं जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है जो कॉमन रीजन आएगा वो आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, सेकंड या थर्ड में नहीं जाना है, तो वो इसीलिए होता है, और इसीलिए आप x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x plus 2y, एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, x plus y is greater than equal to 16, x minus 2y is greater than equal to 0 and x comma y is greater than equal to 0, ये बात उसने पहले दी थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले इन सबको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले यहां पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे 1 होना चाहिए यानी इन दोनों को मुझे 120 से डिवाइड करना है, यानी x इज डिवाइडेड बाय 120 प्लस 2y इज डिवाइडेड बाय 120 लेस देन इक्वल टू 1, 2 कैंसिल बाय 60, वी गेट x बाय 120 प्लस y बाय 60 इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, x बाय 60 प्लस y बाय 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
इसमें इंटरसेप्ट नहीं बन सकते, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू वाई, मैं उधर ले गया। इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा टेंथ क्लास का बॉक्स, कैसे करते थे हम, एक्स वाई, वाई जीरो एक्स जीरो, वाई वन एक्स टू, वाई टू एक्स फोर, ठीक है, तीन इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लेना। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पे आप लिखेंगे x एक्सिस, ये एरो बनाने जरूरी है, x y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखिए x is आपको दिया हुआ था, x is 120 and y is 60, आपको प्लॉटिंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट अंदाजे से ये 120 कॉमा 0 हो गया मेरा, एंड y मेरे को बोला है 60, अगर इतना बड़ा मैंने 120 लिया है तो इसका मैं आधा अंदाजे से 0.60 ले लूंगा, और ये ग्राफ कॉपी पे भी आपको ऐसे ही करना है। आप इसकी लाइन बना देंगे पहले, ठीक है, अभी आप इसको शेड नहीं करेंगे, पहले इसको प्रॉपर नेमिंग करेंगे। इस लाइन का एक्चुअल जो नेम था वो ये था, x plus 2y is equal to 120, प्रॉपर नाम ये था। अब उसने बोला जो था, मैं उसके उस बात पर आऊंगा, उसने ये कहा था क्वेश्चन में, x एंड y दोनों लेस देन 1 है, x और y दोनों लेस देन 1 है, अगर x और y दोनों 1 से छोटे हैं तो ऑब्वियसली लाइन या तो ऊपर शेड हो सकती है नीचे, ये x और y दोनों छोटे हैं, कम होने चाहिए, x और y की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी शेड यहां पर होगा। आप थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देंगे, क्यों थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देंगे ये भी सुन लेते हैं जरा, क्योंकि आपको जो करना है ना क्वेश्चन, वो एक्चुअल में कॉमन रीजन शेड करना होगा। आपके पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपको इन तीनों में कॉमन करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा शेड करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है x 60, x के नीचे 60, अगर ये 120 है तो यहां पर मैं लगाऊंगा 60, ये देखिए मैंने लगा दिया 60, और y भी आपको दिया हुआ क्या है 60, देन y भी 60 ऑल्सो 0.60। हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन का रियल नेम लिखेंगे, इस लाइन का रियल नेम जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब बात वही, शेड कहां पर होगा हमें उसे देखना है। बच्चे शेड करने के लिए आप सबसे पहले तो ग्राफ की इक्वेशन पर जाएंगे, इक्वेशन है x और y दोनों ग्रेटर देन 1 है, x और y दोनों बढ़े नहीं चाहिए, ये लाइन कहां शेड करनी है, ऊपर। अभी तक दोनों में जो कॉमन रीजन आ गया वो दिख रहा है आपको कौन सा है, ये वाला कॉमन, हालांकि यहां तक कॉमन है, ये पार्ट भी कॉमन आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा, क्यों, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। आपको गिवन है x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसका कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होता, इसका कहने का मतलब ये होता है आप शेड जो करेंगे कॉमन रीजन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे बस, ठीक है। अगला है x is equal to 2y 0 0 1 1 and 2 2 जो भी है, ये ग्राफ जो है आपका इस तरीके से बनेगा, प्लॉटिंग नहीं करनी है, आप अंदाजे से पॉइंट्स बनाएंगे और ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन रीजन आ रहा है, उसने बोला x is greater than 2y, x जो है वो 2y से बड़ा होना चाहिए, x जो है इस लाइन का असली नाम था, मैं इसका रियल नेम लिख देता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन 2y, ऑब्वियसली यहां पे शेड होगा, तो कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे हम लोग, ये यहां शेड हो रहा था, ये यहां शेड हो रहा था, ये यहां शेड हो रहा था, बस, तो कॉमन रीजन हमारा अलग से दिखना चाहिए, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया हमारा, हमारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1, 2, 3 and 4, दीज फोर आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एंड दिस इज आर कॉमन रीजन। तो बच्चे इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है क्या है, मेन टारगेट जो आपका वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रट्टा नहीं, ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं। अगर कल को आपको कोई ट्रू फॉल्स बोले तो आप उन्हें दिखा देना सर ये एक्चुअल रीजन ये है इसके पीछे, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि
सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट फुल फ्लेज चैप्टर ये लेना चाहते हैं तो स्टडी खजाने की साइट पर जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू। यहां तक का डाल देना उस पे यूट्यूब पे, 11th और 12th ग्राफ करके लिख देना, ग्राफ्स ऑफ 11th एंड 12th, ठीक है। अब यहां से मैं 12th चैप्टर का शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर आगे। तो शुरू करते हैं 12th का चैप्टर के क्वेश्चंस। देखिए बच्चे, अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि आपको इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया, ये आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है। लेकिन इसके अंदर साथ में एक्स्ट्रा एडिशन क्या हुआ है वो देखिए। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला नहीं था, आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई थी। नेक्स्ट पेज पर मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं, ऐसे ही रखेंगे ग्राफ को, ग्राफ से कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन प्रॉपर जो मेरे को पूरा दिया हुआ था वो क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट एक्सरसाइज का, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x + 10y, ठीक है, जिसमें उसने बोला है x + 2y < 20। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, x + y > 60, x - 2y > 0, x, y > 0। हमने इन सब का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन ना तो मैक्सिमाइज किया ना मिनिमाइज किया, कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, मैं उसकी बात दोबारा करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो तरीका क्या है वो देखिए। ये पॉइंट किन दो लाइन से बना है आपको उन्हें टारगेट करना है। ये जो पॉइंट है ये बना है x - 2y = 0 से, एंड इस वाली लाइन से, और इस लाइन का नाम था x + 2y = 120। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे भाई, हमने पढ़ा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कैंसिल, 2x = 120 और x = 60। x आ गया तो x - 2y = 0, यानी x की जगह मैं 60 डालूंगा, मैंने मतलब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो x = 60 - 2y = 0, तो y = 30, यानी आप कह सकते हैं ये पॉइंट जो है वो 60, 30 है। निकल गया पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पॉइंट को निकाल रहे हैं, ठीक है, हमें तो कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो किस किस लाइन से बन रहा है, एक बन रहा है x - 2y = 0 से, ठीक है, और एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन क्या है x + y = 60। इसमें मैंने साइन चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, -3y = -60 एंड y = 20। तो x मेरा जो आएगा x - 2 * y = 0, यानी x = 40, यानी ये जो पॉइंट है वो है 40, 20। इस पॉइंट का नाम हो गया 40, 20। अब जब आप कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, यानी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट, अब क्या करेंगे आप देखिए। सबसे पहले अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अच्छा, ये आप ग्राफ कॉपी पे मत करना, आपकी मेन शीट पर करना, मैंने तो यही कर दिया, मेरे पास पेज ही शॉर्टेज थी, एज यू नो दैट भाई, ग्राफ बार बार नेक्स्ट पेज पलटना पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो मैंने जो कॉर्नर पॉइंट निकाले मैं उन्हें ऐसे लिखूंगा, बॉक्स बना के, कॉर्नर पॉइंट्स, CORNER, कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पे जेड इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 5x + 10y। सपोज आप पहले निकाल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप पहले कॉर्नर पॉइंट डाल देंगे। कॉर्नर पॉइंट है आपके ये चार, 40, 20, 60, 30, 60, 0 एंड 120, 0। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, कुछ भी रख लीजिए, 40, 20, 60, 30, 60, 0 एंड 120, 0।
देखिए सबसे पहले मैं वैल्यूज पुट करूंगा, x की वैल्यू कितनी है 40, यहां पुट करूंगा कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 10 यानी 200, 400 आंसर आ गया. 60 इंटू 5 300 प्लस 30 इंटू 10 यानी 300, अगेन 600, अगेन नहीं मतलब अगेन 300 था वो 600 आया वैल्यू. 60 इंटू दिस यानी 300 प्लस 0 दैट इज 300, 120, 600 प्लस 0 यू गेट 600. तो आपका जो मिनिमम है वो कितने पर है 300 पर, और मैक्सिमम किस पर है इन दोनों पॉइंट पर. तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यूज आर, मिनिमम वैल्यूज आर 300 इज 300, सॉरी मैं लिख ही देता हूं यार, मिनिमम वैल्यू इज 300 एट किस पर है 60.0 पर, मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एट ये दो पॉइंट 60.30 एंड 120.0. तो ये आपका ग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया. अब जो है हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे उन अच्छे क्वेश्चंस पर, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे. मैं सब में ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, इक्वेशंस तक पहुंचा दूंगा, ठीक है. इतना रोक कर एक बारी बाद में करना यार, मार्कर दे दो अच्छे से, ये उसको कुछ नहीं करना, मार्कर चाहिए मेरे को, ये ब्लू वाला इतना डार्क चलता है, ब्लैक वाला इतना लाइट चलता है, दो दे दो कोई भी अलग अलग कलर के, तीन दे देना हो जाए तो, ये सब मत डाल देना. तो अब मैं आपको बता दूं, मैं हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं इक्वेशंस बना दूंगा यहां तक की, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा ग्राफ बनाना है तो मैं उस क्वेश्चन में ग्राफ बना के दिखाऊंगा, प्रॉपर सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, जिसमें जरूरत नहीं होगी मैं उसमें नहीं करूंगा, ठीक है. मतलब आपसे लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो तो आपके पास मेरा नंबर है पर्सनल, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और अदर भी सोर्सेज हैं, ठीक है, स्टडी खजाना में बात कर सकते हो, किसी भी बात करके मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ सीधा, 12.2 पर बच्चे एक क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का चैप्टर, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है, सीधा उस पर आ जाइए, मैं भी बुक ओपन कर लूं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट. मतलब आप एक केक बना रहे हो जिसमें 200 ग्राम आटा लग रहा है और 25 ग्राम फैट लग रहा है, एंड दूसरे तरीके का जो केक है, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर यानी 100 ग्राम फ्लोर एंड आटा और 50 ग्राम फैट लग रहा है अगेन. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, आप कितने मैक्सिमम केक बना सकते हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम, अगर आपको 5 किलो आटा दे दिया जाए एंड 1 किलो फैट दे दिया जाए तो आप कितने केक बना पाएंगे, क्वेश्चन ये, ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज डाल लीजिए 12.2. क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं. इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, आप सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैंने क्या कर दिया केक, भाई दो तरीके के केक है मेरे, केक वन एंड केक टू, यहां पे मैंने केक लिख दिया. ये जिस चीज से बन रहे हैं टाइप्स, किन किन टाइप से बन रहे हैं, फ्लोर से बन रहे हैं एंड फैट से बन रहे हैं, ठीक है. और उसने बोला है कि वन काइंड ऑफ, एक तरीके का जो केक है उसके अंदर 200 ग्राम फ्लोर डाला जाता है एंड 25 ग्राम फैट डाला जाता है, ओके. और दूसरे वाले के अंदर 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट डाला जाता है. अब अगर आपके पास 5 किलो फ्लोर अवेलेबल है, 5 किलोग्राम फ्लोर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम्स में, वो बात की कहानी है. और फैट कितना हमारे पास अवेलेबल है, फैट हमारे पास अवेलेबल है 1 किलोग्राम. तो कितने नंबर ऑफ केक्स बन सकते हैं. अब एक बात बताना, अगर एक केक में
इतना फ्लोर इतना फैट है, तो 10 केक में कितना फ्लोर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पता लग जाएगा। मैं लेट कर रहा हूं, लेट टाइप वन केक, टाइप फर्स्ट केक्स आर एक्स एंड टाइप टू केक्स आर वाई। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब जिसके ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, अगर x टाइप का वन है, देखो एक तो अगर x टाइप का हमारा सॉरी फर्स्ट टाइप के हमारे x के एक है, तो फर्स्ट टाइप में कितना आटा लगा है 200, यानी टोटल आटा कितना लगा 200x प्लस कितना फैट लगा 100 ग्राम ऑफ, हमारे पास टोटल 100 ग्राम अवेलेबल है, 100 ग्राम ऑफ y क्योंकि इसमें x है एंड इसमें y है, और 5 किलो आपके पास टोटल अवेलेबल है आटा और 1 किलो आपके पास अवेलेबल है फैट। अगर 5 किलो आपके पास टोटल आटा अवेलेबल है तो आप मैक्सिमम 5 किलो यूज कर पाओगे आटे को। कहने का मतलब है ये जो साइन होगा ये होगा लेस देन और इक्वल टू 5000 ग्राम। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 5 किलो आटा अवेलेबल है तो या तो अगर आपने बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करा तो 5000 ग्राम का पूरा पूरे आटे का आपके केक बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे वेस्टेज हो गई तो 5000 से कम आटा यूज होगा, तो यही तो है इसका मतलब, यानी आपके पास मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो अवेलेबिलिटी कितनी है 5000 ग्राम की। सेम इसके अंदर 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। अब उसने बोला था कि फाइंड द, अगर मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं तो उसने बोला था, उसने बोला कोई शॉर्टेज नहीं हुई, शॉर्टेज ना भी हो तब भी मैक्सिमम 5000 ग्राम ही यूज कर सकता हूं। ठीक है, कहता है कि किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकल जाए। बेटा अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालने हैं यानी जेड की बात करी जाए तो आपके पास एक्स टाइप के केक है और आपके पास वाई टाइप के केक है, यानी आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। वही ग्राफ बनाया, ठीक है, उसी तरीके से आप निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, जिसको करना होगा मैं बता दूंगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका मेन टारगेट करना है ग्राफ पर, अगर सॉरी इक्वेशन पर। इक्वेशन को दूसरा तरीका भी बता दूंगा निकालने का, आपने जब इनको प्रेजेंट कर लिया, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बड़ी आसान है, जब आपने इसको प्रेजेंट कर लिया ना तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि 200x प्लस 100y इक्वल टू में कुछ तो होना चाहिए, तो वो इक्वल टू में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। अगर ये 5 किलो यहां लिखा होता, अगर ये जो 5 किलो है ये यहां लिखा होता, यहां पे मैं 5 लिखा होता तो मैं इक्वेशन को ऐसे बनाता, लेकिन अभी ये यहां पे लिखा जाएगा क्योंकि फ्लोर की वैल्यू दी हुई है। अगर केक की वैल्यू दी होती तो मैं यहां पे लिखता और यहां पे एक्स और यहां पे वाई लगाता। तो सिंपल है, उस तरीके से लेट कर लेना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से पता भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा, कॉर्नर पॉइंट आएगा, वो आएगा 20.10 एंड 20.10 इसका कॉर्नर पॉइंट आएगा जिस पर ये मैक्सिमाइज हो रहा होगा, और जेड आपका आएगा उस पर 30, आप निकाल के देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ में अभी बना के दिखाऊंगा जिसका मुझे बनाना होगा, अच्छे क्वेश्चन का बनाऊंगा, आसान क्वेश्चन का नहीं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडिस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स। दो चीजें बना रही है, एक तो पेडिस्टल लैंप एंड वुडन शेड्स, मैं यहां लिख देता हूं पेडिस्टल लैंप एंड वुडन शेड्स। ठीक है, ईच रिक्वायर्स द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। मतलब कहने का मतलब है, एक तो आपको इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग करनी है यानी कटिंग करनी है, ये भी कह सकते हो एक ही चीज है, और स्प्रे भी मारना है उसके ऊपर। आपको जो लैंप लगाना है ना उसपे क्या क्या करना है, एक तो ग्राइंड कटिंग करनी है उसके ऊपर से उसके ऊपर स्प्रे मारना है। उसने बोला है इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग, 2 आवर लगेंगे ग्राइंडिंग कटिंग पर मशीन को एंड 3 आवर टू स्प्रेयर्स। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि वो पेडिस्टल के लिए, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, स्प्रेयर्स टू द मैन्युफैक्चरर पेडिस्टल लैंप। अच्छा, पेडिस्टल लैंप को 2 घंटे और 3 घंटे लगेंगे स्प्रे और ये मारने पर। ठीक है,
कहने का मतलब पेडिस्टल को ग्राइंडिंग करने में 2 घंटे लगते हैं और स्प्रे मारने में 3 घंटे लगते हैं, यानी एक लैंप तैयार। ठीक है, आगे देखें, इट टेक 1 आवर ऑन द ग्राइंडिंग एंड 2 आवर ऑन द स्प्रे स्प्रेयर। 1 आवर इसके लिए चाहिए और 2 आवर इसके लिए चाहिए मशीन से जो हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, और उसने बोला है कि ऑन एनी डे द स्प्रे इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 आवर्स। स्प्रे को आप यूज कर सकते हो एट मोस्ट 20 आवर्स, यानी मैक्सिमम 20 घंटे, यानी आप मशीन की लिमिट जो है वो 20 घंटे काम करने की है। आप ऐसा नहीं है कि उसे कंटिन्यूअसली 24 घंटे चला के रखो, दिन रात खराब हो जाएगी, फूक जाएगी। मैक्सिमम उसे 20 घंटे चला सकते हो, तो मैक्सिमम 20 घंटे चलाओगे, या फिर अगर आपके वर्कर काम नहीं करना चाहते तो वो 18 घंटे 19 घंटे काम करके चले जाएंगे, सीधी सी बात। ठीक है, और उसने बोला है एंड ग्राइंडिंग कटिंग जो मशीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे लगेंगे। तो ये चीज भी क्लियर हो गई ना कि x y एंड लेस देन। अगर मैं यहां पर x और y लगाता हूं, ध्यान से सुना, और यहां पर x और y लगाता हूं, तो लेफ्ट किसे करना है, पेडिस्टल को मेरे को लेफ्ट करना है x, और वुडन को मुझे लेफ्ट करना है y। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हो। अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे लेट देयर आर x पेडिस्टल लैंप, प्रॉपर प्रेजेंटेशन की है। ठीक है, देयर आर y वुडन शेड्स, देयरफोर 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20। और आपको एक चीज तो लिखनी है, वो पिछले में मैं लिखना भूल गया, x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां से आपका फिर से ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना है, लेकिन बात आएगी सर z की, ये तो बताना भूल ही गए। उसने आगे बोला था कि द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप, लैंप पर 5 रुपए का प्रॉफिट है, अगर आपने x लैंप पर आए तो 5x प्लस, और वुडन शेड वाले उस पर कितने का, 3 का, तो 3y। तो z को आपको मैक्सिमाइज करना है, और एक चीज ध्यान रखना, हम हमेशा ये चाहते हैं कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो, कॉस्ट हमारी मिनिमम हो, मतलब हम अपनी जो कॉस्ट रखे किसी भी चीज को बेचने की वो कम से कम रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। ठीक है, और प्रॉफिट हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कॉस्ट पे कि फाइंड द कॉस्ट, तो उस केस में मिनिमम करने को ही देगा, 99% केसेस में मिनिमम करने को ही देगा, और लॉस दे तब भी मिनिमम करने को देगा, प्रॉफिट दे तो ऐसे देगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जो आपको इसका ग्राफ भी करके दिखाता, मैं आपको ग्राफ करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और सर इसका ग्राफ हम ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, अब आपको पता लगेगा क्यों मैंने इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ नहीं करवाए, 9 में क्या डिफरेंट है, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये ग्राफ आपको दोनों घर से करने हैं। ठीक है, आज की क्लास से लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। ये क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अ डाइट टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, एक डाइट में 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कितना है 80 यूनिट, एंड विटामिन बी भी है, मिनरल्स है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा। दो तरीके के फूड है हमारे पास, F1 और F2। पहले मैं रिक्वायरमेंट लिख लूं, फूड F1 की कॉस्ट है 4 रुपए 6 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट ऑफ। अब देखो उसमें बोला है 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, F1 में 3 यूनिट विटामिन ए है एंड 4 यूनिट मिनरल है। ओके, और 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल। ओके, फॉर्मुलेट दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। देखा मैंने अभी आपको बोला था मिनिमम कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, पहले लेस देन वगैरह देख लेते हैं, स्टार्टिंग की लाइन पर आते हैं सर। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अ डाइट कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, यानी आपके पास कम से कम 80 यूनिट अवेलेबल है। तो ये जो 80 पे साइन लगेगा वो लगेगा ऐसे, भाई 80 इज मिनिमम, एटलीस्ट 80, 80 इज कम से कम, यानी 80 छोटा है, तो 80 को मैंने लेस देन लिख दिया। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे में 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स, सेम एटलीस्ट बोला है वो भी। ठीक है, अब ऑब्वियस है आपका x और y कैसे लगेगा, यहां पे x है, यहां पे y, यहां पे x है, यहां पे y, यानी x वाली वैल्यू क्या होगी, f1, लेट फूड 1 इज x, x एंड फूड 2 इज y एंड f2 इज y
देयरफॉर सब्जेक्ट टू जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 3x plus 6y is greater than equal to 80 and 4x plus 3y is greater than equal to 100. बात कर रहे हैं सर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की, मिनिमाइज करनी है हमें कॉस्ट, कॉस्ट हमें दे रखी है F1 की जो कॉस्ट है वो ₹4 पर फूड है, मिनिमम z is equal to 4x क्योंकि F1 हमारा x है और ₹4 दी हुई है तो 4x plus 6y, इसको आपको मिनिमाइज करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर देंगे। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ दिया हो ना दिया, x और y हमेशा greater than equal to 0, क्यों भाई, फूड कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, या भाई नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, या तो 0 से ज्यादा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले मैं अगले उसमें सॉल्व करूंगा इन इक्वेशन को, दोबारा लिख रहा हूं, पहली इक्वेशन थी मेरी 3x plus 6y is greater than equal to 80, इंटरसेप्ट बनाएंगे 3x divided by 80 plus 6y divided by 80 greater than equal to 1, यानी ये हो गया x divided by 80 by 3 plus y divided by 40 by 3। एक क्वेश्चन आ गई सर, पढ़े रहने दो इसको ऐसे, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है हमारी 4x plus 3y is greater than equal to 100, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4x divided by 100 plus 3x 3y divided by 100 is greater than equal to 1, यानी x divided by 25 plus y divided by 100 by 3 is greater than equal to 1। सर ये दो इक्वेशन आ गई, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका, बहुत ही सिंपल ग्राफ है इसका, बहुत ही बेहतरीन है, पहले तो प्रॉपर तरीके से आप लोग x x x डैश y y डैश ये सब लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। x के नीचे दिया हुआ 80 by 3, ओ हो सर परेशान हो 80 by 3 क्या होता है हमें नहीं पता, एक काम करो यार रफ में निकाल लो 80 by 3, 80 by 3 3 2 जा 6 2 0 3 6 जा 18 फिर 2 0 तो 26.66 अप्रॉक्स यहां पर होता है, हमें अंदाजे से बनाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन इसको नाम 26.66 नहीं दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा 80 by 3 comma 0, अगले वाले को नाम दूंगा मैं 0.40 by 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक है, यही चक्कर होता है स्केल ना हो ना तो। अब देखिए इस लाइन का असली नाम जो था वो था 3x plus 6y is equal to 80, हमेशा जब भी क्वेश्चन करने लगो तो पहले एक लाइन ड्रॉ करो उसके बारे में सारी चीजें लिख दो, क्योंकि दो तीन लाइन होंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वाली लाइन का नाम क्या था, फिर टाइम खराब होता है उसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको शेड करना है मुझे, शेड कहां पर होगा, x और y दोनों के दोनों ग्रेटर है, x और y दोनों के दोनों ग्रेटर है, यानी बाहर शेड होगा, ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो भाई कॉमन करूंगा बाद में, है ना, सिंपल बात है। चलो आगे देखते हैं, अगले में x के नीचे 25, ये 26 था तो यहां पे बना लेता हूं 25, 26.66 था ना, दूर बना लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 100 by 3, अब ये ऑब्वियस है ऊपर बनेगा, ये मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ऐसे मान लेना ये ऐसे वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला, ठीक है, और इसका ये वाला हो गया, इस पॉइंट का नाम है मैं यहां लिख रहा हूं 0.100 by 3, थोड़ा सा मतलब हॉटस्पॉट हो गया लेकिन ठीक है, और इस लाइन का असली नाम जो है वो है 4x plus 3y greater than equal to equal to 100, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसको शेड कहां करना है, x और y दोनों बाहर शेड होंगे। अब सर ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आपको कराया, जिस भी केस में कॉमन रीजन बाहर को आए, देखिए कॉमन रीजन बाहर को आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉर्नर पॉइंट दोनों से हुए एक दो एंड ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा हमारे से ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट थ्री, ये तीन पॉइंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट है, तो इस केस में क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आप इसको कॉपी कीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे करूंगा, थोड़ा सा फास्ट फास्ट कॉपी कीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। हो गया, सबसे पहले तो इस पे कॉर्नर बना लेंगे सर, हमारे कॉर्नर पॉइंट तो बन गए, पहले तो आप इसे प्रॉपर तरीके से इसका हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं,
ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट ये किन दो लाइन से बन रहा है, एक इस वाली से, दो लाइन है हमारे पास, एक तो 3x plus 6y is equal to 80 and second one is 4x plus 3y is equal to 100। मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6y हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। तो पहली इक्वेशन होगी मेरी 3x plus 6y equal to 80, दूसरी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 8x plus 6y is equal to 200, इनको मैंने सॉल्व करा, माइनस क्या कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस 5x, ये वाला कैंसिल, माइनस 120, यानी x इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 5 × 4 = x आ गया 24। y निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 3 × 24 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, 3 × 24 72, यानी 8 डिवाइडेड बाय 6 आप कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए, x और y दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाइए, अगले पेज पर कॉर्नर पॉइंट मिले, कॉर्नर पॉइंट में आप मेंशन कर दीजिए कौन कौन से, 24, 4/3, तीन हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए, 1, 2 और 3, तीनों को हमें जज करना है, सेम उसी तरीके से चलेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स, z इज इक्वल टू, इक्वेशन में से आप देख लीजिए z आपको क्या दिया हुआ था, 4x plus 6y, और आपको इसको मिनिमम करना है, यहां पर आपके आएंगी वैल्यूज, कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0, 100/3, 24, 4/3 एंड द लास्ट वन इज 80/3, 0। अब देखिए सबसे पहले वैल्यू डालिए इसके अंदर, आपने डाला 0 एंड 100/3, इस पे 0 + 6 × 100/3 दैट इज इक्वल टू 200, आपने डाला 24, 4 × 24 + 6 × 4/3, 3 × 1 = 3, 2, ये आ गया 24 × 4, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 96 + 8 दैट इज इक्वल टू 104, 4 × 80/3 + 6 × 0, ठीक है भाई, ये आपका आ गया कैलकुलेट करके 106.6 है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो बहुत छोटा सा काम क्या है वो देख लीजिए, आपको ऐसे केस में जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो z है, मतलब ये उन केसेस के लिए है जब आपका शेडेड रीजन बाहर को आ रहा हो, कोई कॉमन ना हो, मतलब अंदर कोई कॉमन ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि z की जगह पर मतलब ये डाल सकते हो 4x plus 6y is मिनिमम वैल्यू थी ना, तो लेस देन 104, ठीक है। अब आप इसका एक एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप इसका एक एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन इसके अंदर से जा रही होगी पास, और वो लाइन डॉटेड ड्रॉ करनी है क्योंकि लेस देन में हमेशा डॉटेड होता है, तो ये उन्हीं केसेस के लिए है आपको जब अप्लाई करना है, जब आपका क्या हो शेड रीजन सारा बाहर जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए अवेलेबल है, ठीक है, ये समझ आ गई। तो यहां पे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लेकिन बच्चे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी मुझे 3-4 क्वेश्चन और कराने हैं, एक क्लास हो जाएगी मेरे नाम से, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा, ओके ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा।